तो सद्गुरु का मतलब क्या होता है? सद्गुरु एक उपाधि है। जो व्यक्ति आध्यात्म की उस ऊंचाई तक पहुंच गया जिसे हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं, वही सद्गुरु हो सकते हैं। तो उन्हीं को सद्गुरु कहा जाता है। तो हमारे जीवन में भी सद्गुरु आए और अपने अंतर शक्ति से, अपनी चेतना शक्ति से हमारे अंदर में भी विकास करें और अपना अंतर कमल, जो हमारे कीचड़ में, जैसे हम लोग देखते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो वो कीचड़ में जब बाहरी मुखी हम लोग होते हैं तब हम लोगों को दिखता है कि कीचड़ में खिल रहा है, पर जब हम लोग अंतर्मुखी होते हैं तो हमारे अंतर मन में ही बहुत सारे कीचड़ होते हैं। तो उस कीचड़ में जब कमल खिलते हैं तभी माना जाता है कि सच में आध्यात्म की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो जागृत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सद्गुरु आप सभी के जीवन में आए, क्योंकि सद्गुरु रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में तो बहुत सारे हमारे गुरु रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी माँ, हमारी धरती माता, उसके साथ साथ हमारे टीचर, स्कूल में पढ़ रहे हैं जब हमारे टीचर भी हमारे गुरु रहे हैं, हमारे थिएटर में भी, हमारे कहीं दोस्त भी कहीं ना कहीं